हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली। दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन में फंसे और कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, उसको शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना। इस वीडियो में तीन महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको इस तरह से बताने वाला हूं, अगर आपने उन बिंदुओं को फॉलो कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम को कभी भी किसी भी तरीके से अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहना होगा। इस वीडियो को खत्म होते होते आप इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि जब आज से 20 या 25 साल बाद में आपकी आने वाली जनरेशन, क्योंकि हमेशा इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास में आपसे पूछा जाएगा या फिर आप बताओगे कि यार हमारे टाइम पर एक इस तरह की महामारी फैली थी और हम लोग इस तरह से घरों में बैठ गए थे, तो आप पूछोगे, अपनी जनरेशन आपसे पूछेगी कि आपने उस समय क्या किया था, तो आपके पास बताने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं डॉक्टर लोकेश बाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। तो फोकस ऑन गोल हमारा पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम फोकस ऑन गोल, हमारा जो भी गोल है उस पर हमें फोकस करना है। अगर हम गोल फिक्स नहीं कर पाते लाइफ में तो हम उसको अचीव ही नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें उस पर फोकस करना है, गोल करना है, क्योंकि टारगेटेड चीज को अचीव करने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। तो यार, यूजीसी नेट की या फिर कोई भी एग्जाम हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको अचीव ना कर पाए। तो फोकस बनाओ इस लॉकडाउन के समय को, एक अचीव करो कि यार हमें ये काम करना है, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में हमारे पास कोई बहाने नहीं है कि यार हमें वहां जाना है, वहां आना है, ये काम करना है, वो काम करना है। अपना अपना ग्रो करो, अपनी सेल्फ को इंक्रीज करो और एक गोल बना लो। उस गोल पर फोकस करके सीधा अटैक करो कि यार देखो, कोई भी एग्जाम कब लगेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में पढ़ाई करना। गवर्नमेंट या फिर जो भी बॉडी जो उसके एग्जाम लेंगी वो उनके हाथ में, यार महीना, 6 महीने, 12 महीने लेंगे तो सही, ये तो तय है ना। लेकिन आप उसके लिए अपने आप को परफेक्ट रखो, गोल अचीव कर लो। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो गोल फिक्स कर लो कि यार मुझे इस बार जब भी एग्जाम लगेगी, चाहे कभी भी लगे, एग्जाम को निकालना है। बस ये सबसे पहला गोल आपके माइंड में ये होना चाहिए। दोस्तों, एक गोल अचीव करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि जब तक हमारे जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो हम जहां से हमें डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, उन चीजों को पहचान कीजिए और उन चीजों से दूर हटने की कोशिश कीजिए। तो जहां जहां से भी आपको डिस्टरबेंस होता है, उन सभी चीजों से दूर हटने की कोशिश कीजिए और अपना समय फिक्स कर लीजिए। समाधि, फोकस, समाधि में लग जाइए, भयंकर वाली समाधि में आप लग जाइए, क्यों ना आपको सफलता अचीव होगी। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप पर काबू पाओ। जितने भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हो सबको अवॉइड कर दो धीरे धीरे। और अगर मैं मेरे व्यक्तिगत बात की बताऊं, आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं सच बताऊं, मैंने पिछले 1 साल से फेसबुक को ना के बराबर यूज किया है। मतलब बहुत ही कम यूज किया है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, इन सभी चीजों को। तो आप भी धीरे धीरे इन चीजों से दूरी बनाओगे तो आपका गोल आपको प्राप्त होगा। एक भयंकर वाली समाधि, फोकस वाली समाधि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपने आप को बड़ा बनाने में, अपने आप को ग्रो करने के लिए रेज योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करो, लगातार बढ़ाते जाओ, चाहे अपनी बात करने की शैली है। और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के बारे में सोचना ही नहीं है भाई, क्यों सोचते हो तुम नेट के बारे में? जेआरएफ को टारगेट करो, तब जाके फाइनली नेट आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं इस चीज को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मानता हूं। और वो किस तरह से मानता हूं? दोस्तों, मेरे फादर हमेशा एक बात कहते हैं, अगर जंगल में अगर शेर मारने का हथियार लेके जाएंगे तो शेर नहीं भी मरा तो कम से कम गीदड़ को तो हम मार पाएंगे। अगर आप गीदड़ मारने के हथियार लेके जाओगे तो शेर क्या, गीदड़ को भी भूल जाइए, आप चींटी भी नहीं मार पाओगे। यही तरीका है आपकी एग्जाम में, यही तरीका आपकी एग्जाम में लागू होता है, यही तरीका आपकी लाइफ में लागू होता है। दोस्तों, आप बड़ा सोचोगे तो अगर बड़ा नहीं कर पाए तो छोटा तो जरूर करोगे। अगर आप सोच ही आपकी छोटी है तो आप छोटा क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपना जो स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो सॉलिड डिसिप्लिन के साथ। तो अपना स्टैंडर्ड को जैसे बढ़ाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपको चीजों के पढ़ने का, जानने का, समझने का तरीका बहुत ही ज्यादा बूस्ट होता चला जाएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता, हारा तो वह है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। तो दोस्तों, लड़ो अपने जुनून के लिए, अपने फोकस के लिए, अपनी सफलता के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो जिस तरह का समय चल रहा है, आने वाला जिस तरीके का समय है, आपका साथ कोई नहीं देगा, ना आपका भाई साथ देगा, ना बहन साथ देगी। अगर बनी बनी के सारे साथी, आपके माता पिता भी आपका साथ नहीं देंगे अगर आप कुछ नहीं करोगे। अरे वो दोस्तों, वो कहते हैं, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है तुम्हें अपने ही पैरों पर। तो दोस्तों, उठ जाइए, खड़े हो जाइए। अगर आप पहले से सोए हुए तो लग जाइए, फोकस करिए कि आज से 50 साल बाद में जब आप इस लॉकडाउन वाली दास्तान को अपने बच्चों से कहोगे कि उस समय हम
घर में रहे थे तो आपसे पूछेंगे कि पापा मॉम कुछ भी कि आपने उस समय क्या किया था। आपके पास कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर आपने फिक्स कर लिया कि यार हमने यूजीसी नेट की तैयारी पर फोकस किया था, मैंने उस चीज को पास करी, आज मैं प्रोफेसर बनकर बैठा हूं, अगर वो लॉकडाउन नहीं आता तो शायद मैं उस चीजों की शुरुआत नहीं करता। तो खड़े होइए, नोट कीजिए अभी से टाइम को और शुरुआत कर दीजिए। आपको लिखने की शुरुआत करनी होगी, आपको पढ़ने की शुरुआत करनी होगी, लेकिन आपको शुरुआत करनी होगी। आपको हारना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको डटना नहीं है, लेकिन आपको चलते रहना है। लॉकडाउन कभी भी हो, एग्जाम कभी भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। आपके सब्जेक्ट की स्किल को बढ़ाइए, आपके फर्स्ट पेपर को सॉलिड कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों इसी जोश और जज्बे के साथ हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की शुरुआत कर दी है। मेरे जो डीयू जेएनयू के जितने भी दोस्त हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, जेएनयू से जिन्होंने पीएचडी की है, इंक्लूड मैं भी कई बार जेआरए पास हूं, और मेरे कई साथी, उन्होंने मिलकर हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की शुरुआत कर दी है। आपको बहुत ही आसान तरीके से इसी जुनून के साथ, क्योंकि हमारा हमेशा सोचना बहुत बड़ा होता है, हम जेआरएफ की टक्कर क्या सिले कवर करवा रहे हैं। अगर आप हमारी क्लासेज में जुड़ना चाहते हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही कम समय में अपने आप को एक बार हाई पर ले जाने का एक्सपीरियंस है, या मेरे दोस्त हैं जो डीयू जेएनयू से पढ़े हुए बहुत ही स्टैंडर्ड के जो लोग हैं, अगर उनके साथ उनकी गाइडेंस माना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें एसएमएस कर सकते हो। हमारी पूरी वीडियोज की डिटेल किस तरह से आपको क्लास मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप आई बटन पर देख सकते हो, या फिर अगर हम कोई डेमो सेमो कुछ भी लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप पर हमें एसएमएस कीजिए, हम आपको डेमो क्लासेज भी प्रोवाइड करवा देंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों कि जिस तरह से बहुत ही कम एज में मैंने कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम को उत्तीर्ण करके एक शिक्षक हूं और इसके अलावा अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर लिया है, और धीरे धीरे आज मैं इस पोजीशन पर हूं कि मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूं। दोस्तों अगर आप भी इसी तरह से बनना चाहते हो तो अपने समय का यूज करो, आप ऐसा कुछ करो कि आप कह सको कि मैंने उस समय यह किया था। यह आपको नंबर दिख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही रीजनल प्राइस में आपको ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों जब भी, अगर आप 2 साल बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तब भी आप इस नंबर पर हमसे एक बार संपर्क जरूर से कर लीजिएगा। यार सही दशा और दिशा और सही गाइडेंस की हमेशा बहुत जरूरत रहती है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि पैदा हुए थे, उनने सभी ने गुरु हुए थे सबके, जितने भी बड़े बड़े महान विभूति है, लेकिन गुरु और फोकस उनके हाथ में, उन्होंने अपना हाथ दिया था। जब तक आप सही गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप सफलता से दूर रहोगे। इसलिए दोस्तों हम आपको सफल कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, सही दशा और दिशा की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम पर भरोसा कीजिए, नंबर पर एसएमएस कर सकते हो, हम आपको सारी डिटेल बता देंगे। और जो मैंने तीनों बिंदु आपको बताया उनको आपको अपनी लाइफ में फॉलो करो दोस्तों, ऐसे सफलता ऐसे मिलेगी। आप मुझे देख लीजिए ना, मैं खुद पीएचडी हूं, आपको मैं ये डिग्री मेरी आपको यहां पे दिख रही होगी, मैं कई बार नेट जेआरएफ पास हूं। भाई जेआरएफ करते समय ही मैंने 25 से 27 लाख रुपए तो जेआरएफ के लिए ली थे पीएचडी के टाइम पर। तो आप भी ये सब कर सकते हो, तो खड़े हो जाइए, बस लड़िए चलिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।